हमने रखी है जम्मू यूथ की तरफ से, ये हमने रखी है कश्मीर में पुलवाम के अंदर जो 7 लोगों को किलिंग की गई है, हमने उसी के रिलेटेड आज कंडेम्ड करते हैं कि कब तक आखिरकार कश्मीर के अंदर ये सिविल लोग मारे जाएंगे। हम अपनी इंडियन आर्मी पुलिस के साथ खड़े हैं। जो कोई अगर मिलिटेंट है, अगर मिलिटेंटों को मारते हैं, अगर किसी आतंकवादी को अगर मारते हैं या जो देश के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है अगर उसको मारते हैं, तो हम अपने इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं। पर अगर इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा जो 7 सिविलियन लोग मारे जा चुके हैं, और ये 7 तो आज मरे हैं, जब से ये मिलिटेंसी शुरू हुई है लाखों लोग सिविलियंस मारे जा चुके हैं, इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? और हम कश्मीर के अंदर ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि जम्मू का जो यूथ है, जम्मू का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं सिविलियंस के साथ जो सिविलियन किलिंग हुई है। अब वो आखिरकार जो कश्मीर भी हमारा है, मेरा एक पैगाम है कि कश्मीर भी हमारा है और कश्मीरी भी हमारा है, और हमें इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ये मिलिटेंसी और ये पत्थरबाजी ये सब ख़त्म करने के लिए हमें वाजपेयी साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। हमें जो कश्मीर के मसले को हल करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ वो टेबल टॉक करे और पीस का एक माहौल जो है वो रियासत के अंदर बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।